लेक्चर में मैंने स्टडी किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल के बारे में मैंने पढ़ा था, और मैं सेल के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था, और सेल का जो बेसिक पार्ट्स का जो बेसिक फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस किया था, और प्रीवियस लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्पेशली डिस्कस किया था कि क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। अब आता है सेल मेम्ब्रेन के बाद जो लिक्विड इसमें प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर, इसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, और स्टिकी लिक्विड विच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन रेफर्स टू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है, आप इतना ही बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। जिस तरह आप जब हायर सेक्शन में जाओगे तो ब्रेन में एक सेरिब्रो स्पाइनल फिल्यूड होता है, वो भी क्या करता है, ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो उसको रिजिड बना के रखने में मदद करता है, ताकि ऊपर से इस ब्रेन पे अगर कोई भी चीज गिरता है तो वो लिक्विड क्या करता है, वो अपने आप में थम लेता है, वह क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे आप सुनते होंगे कि हमारे ब्रेन के ऊपर दो हाथी के बराबर बल लगता है, लेकिन ये क्या रहा है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फिल्यूड हमारे ब्रेन के अंदर उपस्थित है वो क्या करता है, इसको बैलेंस कर देता है। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो इसमें उपस्थित है, इसमें जो लिक्विड उपस्थित है इस न्यूक्लियस के बीच में और ये सेल मेम्ब्रेन के बीच में, तो इसका क्या करता है, जब इस पे कोई भी प्रेशर या कोई भी अटैक होता है तो इसका काम क्या होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसका इफेक्ट को कम कर देता है, और ये क्या करता है, रिजिड मतलब ठोस बनाने में भी मदद करता है, इस स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म का। आपको एक ही टॉपिक अभी साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको हायर सेक्शन में मिलेगा, हाँ, लेकिन इसका बेसिक पार्ट्स भी पढ़ना है, लेकिन अभी आपको मेन पॉइंट सिर्फ हम शो कर देते हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। आप जानते हो इसमें जो सेंटर पार्ट है किसी भी सेल का, सपोज करो ये सेल है, इसका जो सेंटर पार्ट है इसी को क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियस। मैंने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा गया है, ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है इस पूरे सेल बॉडी को, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ दिस सेल। अब आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो जिस प्रकार सेल के आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक उसी प्रकार न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या करता है, इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज रेफर्स टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। प्लाज्म हमेशा किस चीज को रेफर करता है, फिल्यूड लाइक स्ट्रक्चर या लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लिक्विड और फिल्यूड को हमेशा कौन रेफर कर रहा है, प्लाज्म। प्लाज्म रेफर्स टू द लिक्विड एंड फिल्यूड, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और थिक स्टिकी लिक्विड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोप्लाज्म अवेलेबल है उसमें उस लिक्विड में बहुत सारा इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म इट रेफर्स टू द क्रोमेटिन फाइबर। यही क्रोमेटिन फाइबर में
डीएनए प्रेजेंट रहता है और आरएनए उपस्थित रहता है। अब टॉपिक उठता है ये डीएनए क्या होता है, तो डीएनए फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज दैट डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फुल फॉर्म जो डीएनए का है वह क्या है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आप जब हायर सेक्शन में जाइएगा, अभी 10 तक आपको यही जानने को मिलेगा कि डीएनए और आरएनए बोथ कहां प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में ही प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब इसका हायर सेक्शन में क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल एंड आरएनए ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स। प्लांट्स कंटेंस आरएनए एंड एनिमल्स कंटेंस डीएनए। अब ये डीएनए के बारे में हम जानते हैं, तो डीएनए डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वह एक हेरिडिटी कैरेक्टर को अपने में गेन करके रखता है। जैसे सपोज कीजिए हमारे बॉडी में जो सेल है, ये हमारे बॉडी में जो सेल है और सेल में जो ये न्यूक्लियस है, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में जो ये क्रोमेटिन फाइबर में जो ये डीएनए प्रेजेंट रहता है, इस डीएनए में और एक इंफॉर्मेशन रहता है। कैसा इंफॉर्मेशन, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेंस बाय डीएनए। डीएनए के द्वारा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन किया रहता है और ये जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमेशा ट्रांसफर होता है। तो डीएनए कंटेंस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब आगे जब आप सीनियर सेक्शन में जाइएगा तो एक चैप्टर प्लस टू में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 प्लस टू में, तो उसमें ये बताया है जेनेटिक कोड कि जो जीन है, जो हमारा डीएनए है, वह क्या करता है, इंफॉर्मेशन अपने में कोड के रूप में रखता है। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे, कंप्यूटर हमेशा किस चीज को एक्सेप्ट करता है, बाइनरी नंबर को। तो ठीक उसी तरह डीएनए किस चीज को एक्सेप्ट करता है, हमेशा कोड रूप को, कोड इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। जो डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया उसको क्या कहा जाता है, जीन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज रेफर्स टू द जीन। आप वर्क हम अब खुद बताए हैं कि डीएनए हमेशा हेरिडिटी कैरेक्टर को रखता है। डीएनए ऑलवेज कंटेंस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी देखते होंगे कि आपके घर में जो बेबी प्रोड्यूस हुए, किसी कभी कभी उसका हाथ टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी गर्दन टेढ़ा हो जाता है, कभी कभी एक आंख है दूसरी आंख नहीं होता है, तो ये सब क्या हो रहा है, एक हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है। भले एक जनरेशन में नहीं हुआ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। तो कभी कभी देखते होंगे लोकल लैंग्वेज में सुनते होंगे, इसका गुण जो है अपने पापा पे गया है, इसका शकल अपने पापा पे गया है, इसका शकल माँ पे गई है, इसका लक्षण पापा से मिलता है, उसका लक्षण दादा से मिलता है, ऐसा सुनने का मिलता है। क्योंकि जो ये लक्षण है, जो इंफॉर्मेशन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, वह ट्रांसफर हो रहा है। जो ट्रांसफर हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, डीएनए। डीएनए ऑलवेज कंटेंस हेरिडिटी इंफॉर्मेशन व्हिच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब आ जाता है जीन, तो जीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया उसी को, डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया उसी को क्या कहा जाता है, जीन। क्या कहा जाता है, जीन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इज रेफर्स टू द जीन। सपोज कीजिए ये जीन है, सपोज कीजिए ये क्या है, जीन है, और बहुत सारा जीन मिल गया तो क्या हो गया, ये डीएनए बना दिया। ठीक है, जब आप हायर सेक्शन में जाइएगा तो एक दो जीन का दो टाइप पड़ जाएगा, एक डोमिनेंट जीन होता है, एक रिसेसिव जीन होता है। हायर सेक्शन में ही क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़िएगा
कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और रिसेसिव जीन क्या होता है, बस आप इतना ही अभी समझिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन, फर्स्ट रिसेसिव जीन, सेकंड डोमिनेंट जीन। अब जो जीन वर्क करता है, जो जीन वर्क करता है वह हमेशा पेयर में वर्क करता है। जीन ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, जीन हमेशा जब भी वर्क करेगा पेयर में वर्क करेगा। अ वन पेयर ऑफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, एक पेयर जो है जीन का एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। सपोज कीजिए हमें एक कैरेक्टर ये आ गया, हम ज्यादा बोलते हैं, तो जब दो जीन मिल गया तब वह कैरेक्टर हमें एक कैरेक्टर आ गया। जैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत सारा कैरेक्टर है, कोई हंसता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, किसी का नाक इतना बड़ा, किसी का कान इतना छोटा, किसी का कुछ, तो ये सब क्या है, कैरेक्टर है। किसका? ह्यूमंस का। तो जो ये एक कैरेक्टर है हमें क्या है, बहुत सारा कैरेक्टर हमें पाया जाता है, बहुत सारा कैरेक्टर है जिसको आज तक हम रीड नहीं कर सकते हमें कितना कैरेक्टर है। तो वही एक कैरेक्टर के लिए दो पे एक पेयर ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल रहता है। सपोज कीजिए ये मान के चलिए ये एक जीन है और ये एक जीन है, एक टी जीन है, एक ये टी जीन है, ये दोनों मिल गया तो एक टी बना दिया। तो मतलब ये सपोज कीजिए टी से टॉल होता है, ये टी से ये स्मॉल होता है, स्मॉल टी से स्मॉल, बड़ा टी से बड़ा टी। जब स्मॉल टी और बड़ा टी मिल गया ये सो क्या करता है, टॉल, तो ये क्या बन गया, टॉल। क्या बन गया, टॉल। यहां एक जीन मिला, दूसरा जीन मिला, तो ये क्या बन गया, एक कैरेक्टर बन गया। उसका कैरेक्टर कैसा हो गया, लंबा हो गया। तो यही जब दो जीन ग्रुप जब जो जीन कंबाइन हो जाता है तब वह एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जीन जो है, जीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब जीन के अंदर भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहता है दैट रेफर्स टू द जीन मॉलिक्यूल्स।